पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक प्राइवेट कोयला खदान पर आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कुछ हमलावरों ने डूकी क्षेत्र में जुनैद कॉल कंपनी की खदान पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। डूकी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन खैरुल्ला नासिर ने कहा कि हमलावरों ने 10 कोल इंजन और मशीनों में आग भी लगा दी। हमले में मारे गए लोग पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से हैं, इनमें से कुछ अफगानिस्तान के रहने वाले भी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक किसी भी विद्रोही या आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद डूकी में कई जगह प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं।